और कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन को लेकर लोगों की उत्सुकता काफी बढ़ती जा रही है। पूरे देश भर में कोरोना का टीकाकरण चल रहा है। अगर बात करें राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों की, तो यहां पर किस तरह से टीकाकरण चल रहा है, टीकाकरण को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने का क्या मास्टर प्लान है, इस पर लाइव टुडे ने खास बातचीत की मोहनलालगंज की SDM डॉक्टर शुभि काकन से। चल रहे वैक्सीनेशन को लेकर के इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ SDM मोहनलालगंज डॉक्टर शुभि काकन जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे मैम, जो मोहनलालगंज की स्थिति है इस समय कोरोना को लेकर के क्या कुछ स्थिति है। मोहनलालगंज में देखिए वृहद स्तर पे वैक्सीनेशन जो है चालू हो गया है। गांव-गांव में भी अभी प्रोग्राम, अभी उसी के संबंध में मैं मीटिंग लेके आ रही थी। आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ जो है ब्लॉक गोसाईगंज और ब्लॉक मोहनलालगंज जो है पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे लिया गया है, और इसका जो रिजल्ट आएगा फिर वो पूरे प्रदेश में जो है उसी स्तर पे लागू किया जाएगा। इसमें ये होगा कि हर एक क्लस्टर में 14 गांव लिए जाएंगे और 2 दिन जो है वैक्सीनेशन का प्रोग्राम उन 14 गांव में चलेगा। 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, 28, 29, मतलब टोटल जो है ब्लॉक मोहनलालगंज में 44 गांव कवर किए जाएंगे और इसी तरह ब्लॉक गोसाईगंज में 44 गांव कवर किए जाएंगे। और इसके लिए 2-2 की टीम लगेगी, वो अपने चाहे तो प्राथमिक विद्यालय पे बैठेंगी या पंचायत भवन में। और इसमें जो है 18 to 44 और 45 अबव सबका ऑन साइट रजिस्ट्रेशन होगा और वैक्सीनेशन होगा। मैम, इसको लेकर के टीकाकरण को लेकर के लोगों में कई तरह के भ्रांतियां हैं, गांव स्तर पर देखने को मिल रही, इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आपने क्या प्लान तैयार किया है? इसके लिए एक मोबिलाइजेशन टीम रहेगी। जैसे मैं बताना चाहूंगी 21-22 को जो पहला क्लस्टर जहां पे हमारा वैक्सीनेशन होगा, चाहे ब्लॉक गोसाईगंज हो चाहे मोहनलालगंज हो, उसके 2 दिन पूर्व जो कि 18-19 कल है, तो इसमें जो मोबिलाइजेशन टीम होगी इसमें प्रधान होंगे, कोटेदार होंगे, हमारे लेखपाल होंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगी और जो युवक कल्याण दल के जो मेंबर्स हैं उनको लिया जाएगा, और साथ में शिक्षा मित्र जो है जो घर घर जाके लोगों को बताएंगे कि दिनांक 21 और 22 को फला जगह जो है वैक्सीनेशन होना है, और इसके लिए एक आमंत्रण पत्र देंगे कि आप वैक्सीनेशन हेतु इस जगह पे पधारे और अपना जो है मैक्सिमम वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन लगने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद लोगों को क्या मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा? जैसे जिला प्रशासन लगातार अभियान चला रहा था, ऐसा कुछ भी चलता रहेगा, ये बंद हो जाएंगे सब? नहीं, ये लगातार निरंतर चलता रहेगा। देखिए अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है और इसी को रोकथाम के लिए जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वृहद स्तर पर चालू की गई है, और इसके अलावा जो है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है ये लगातार चलता रहेगा, क्योंकि अभी भी हमें जो इस वायरस का जो है पूरा सिनारियो जो है उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है और किस तरीके से ये ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करता है हमें पता नहीं है, तो जो सारी चीज़ें एक साथ चलती। लोगों का मानना है, लोगों के अंदर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि वैक्सीन की डोज लेने के बाद जो इम्यूनिटी है वो कितने दिनों तक बनी रहेगी? बिल्कुल, वैक्सीनेशन लेने के बाद जो है आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है, और ये जो है अभी एक देखिए ये तो प्रूवन हो ही गया है कि जब वैक्सीनेट हो जाते हैं तो ये जो तीसरी लहर है जो संभावित कह रहे हैं उसको हम उसका जो मोर्टेलिटी रेट है, जैसे इस बार जो कोरोना की लहर आई थी उसको हम कम कर लेंगे अगर हम मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे। मैम, एक बड़ा सवाल है, चूंकि आप डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर शुभि काकन भी लिखती हैं, तो जब मैं अभी आ रहा था तो लोगों ने पूछा कि एक सवाल है लोगों का कि जो वैक्सीन है ये किस तकनीक पर आधारित है, लोग ये जानना चाहते हैं आपके। इसमें ये जो वैक्सीन होती है वायरस इनोकुलेटेड होता है, मतलब बहुत थोड़ी सी मात्रा में वायरस उस वैक्सीन में होता है, जो लिक्विड फॉर्म होता है वो हमारे शरीर में दिया जाता है, और जो हमारा बॉडी का इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी स्ट्रक्चर उससे फाइट करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है, यही एंटीबॉडीज हमारे शरीर में सुरक्षित हो जाती है और फिर जो अगला जब हमारे वायरस अटैक करता है तो हमको उससे बचाती है। ग्रामीण क्षेत्र में इस लक्ष्य को आप कितने समय में पूरा कर रहे जाएंगे, हर घर हर व्यक्ति तक कितने समय में वैक्सीन लग जाएगी? कोशिश तो ये है अभी जो है आगे के 10 दिन 21 से 30 तारीख तक ये पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद जुलाई माह में पूरे प्रदेश भर में ये पूरे गांव को आच्छादित किया जाएगा, तो कोशिश यही रहेगी कि जुलाई माह में ही सबको आच्छादित कर दिया जाए, उसके बाद भी अगर जो लोग बसते हैं तो उनका वैक्सीनेशन जो है कंटिन्यूसली चलता रहेगा। धन्यवाद। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहनलालगंज SDM शुभि काकन है, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जुलाई माह में हर गाँव में हर घर तक के लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। फिलहाल इस वक्त हम राधा स्वामी सत्संग वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़े हैं, तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर मोहनलालगंज क्षेत्र है, जहाँ पर लगातार लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही, और ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहनलालगंज SDM थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जुलाई माह में लगभग सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। लाइव टुडे से अभिषेक कुमार यादव।